एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सुमित्रा सिंह, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता, नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। जैसे सब आप लोग विदित है, पूरा विश्व COVID-19 से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, ताकि हम सभी देशवासी अपने घरों में सुरक्षित रह सके। उसी के क्रम में मैं आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ, शासन के निर्धारित लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घर में ही रहें, बहुत आवश्यक होने पर बाहर जाएं। यदि आप बाहर जाते हैं तो मास्क लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और जब आप वापस आते हैं अपने घर पर, अपने जूतों को धो लें और अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से दोनों साइडों से 20 सेकंड तक धोएं। साथियों, आप जैसे देखते हैं कि इस विषम परिस्थिति में बड़े सूझबूझ और धैर्य से कार्य करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा भरकस प्रयास किए जा रहे हैं कि संपूर्ण विश्व कोरोना से मुक्त हो जाए। लेकिन साथियों, ये अकेले व्यक्ति के द्वारा कर पाना संभव नहीं है। इसमें हम सबको, सभी भारत के नागरिकों को मिलकर समाज और राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए, ताकि हम सभी लोग इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सफल हो सकें। मैं जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर, रेस्पेक्टेड जिलाधिकारी महोदय श्रीमती शैलवा कुमारी जी, रेस्पेक्टेड मुख्य विकास अधिकारी सर, रेस्पेक्टेड SSP सर, आदरणीय जिला विद्यालय महोदय श्री गजेंद्र कुमार जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर की प्रथम नागरिक चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती अंजू अग्रवाल जी, उनकी पूरी टीम, सभी डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, सभी का धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करती हूँ, जो हमारी सुरक्षा के लिए 24 आवर्स 7 डेज ड्यूटी पर उपस्थित हैं। हमारी फैसिलिटी, हमारी सिक्योरिटी के लिए तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो योद्धा हैं इस विभीषिका से लड़ने में, जो जहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसी में हम सब नागरिकों का भी उत्तरदायित्व है कि हम भी ये जो हमारी ढाल है, इनका पूर्ण सहयोग करें। यदि हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी से निमटने में सफल होंगे। जिला प्रशासन के निर्देशन में व्हाट्सएप वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं सुमित्रा सिंह, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता, नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर, अपने जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री गजेंद्र कुमार जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मुझे समाज हित व राष्ट्रहित में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
बहुत ही कर्मठ, न्यायप्रिय, दूरदर्शी डीएसएल का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हमारे जिले के छात्र छात्राओं को स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से अनेक विषयों की ज्ञानवर्धक वीडियोस का प्रसारण प्रतिदिन समय पर हो, जिससे कि लॉकडाउन की स्थिति में जो ऑनलाइन व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है वो अपने घर में रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें। उसी के क्रम में आज मैं 12th क्लास को सिविक्स विषय पढ़ाऊंगी। ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स विषय में भाग के समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 6। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये संगठन, इतना बड़ा संगठन बच्चों आज तक नहीं बना है। दिस इज अ बिग प्लेटफॉर्म। ये संगठन मात्र ऐसा है जिसने विश्व के सारे देशों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। बच्चों, इस टॉपिक पर हम चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, किन विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। प्रथम चैप्टर में हमने ये पढ़ा शीत युग का दौर। हमने ये देखा बच्चों की शीत युद्ध के दौर में दुनिया कैसे दो गुटों में बट गई। उसके साथ ही सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा दो ध्रुवीयता का अंत। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो किस प्रकार से अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया पर छा गया। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में हमने अमेरिकी वर्चस्व को डिस्कस किया। बच्चों, हमने उसके अमेरिकी वर्चस्व के आयामों को भी डिस्कस किया। फोर्थ चैप्टर पर बच्चों हमने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के विषय में डिस्कस किया, जिसमें हमने दो क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ, आसियान के विषय में पढ़ा। हमने चीन के विषय में भी पढ़ा, हमने जापान के विषय में भी पढ़ा। नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर दक्षिण एशिया। बच्चों, साउथ एशिया के विषय में हमने देश के विभिन्न देशों के विषय में पढ़ा। हमने ये जाना कि साउथ एशिया में कौन कौन से देश हैं और कहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है और कहाँ पर बच्चों सैन्य शासन प्रभावित हुआ है। आज हम पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बच्चों, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, जेम्स लॉरिमर ने अपने एक भाषण में 18 मई 1867 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आविष्कार किया था। मैं यहां पर लिख रही हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। बच्चों, अब इससे आगे आज हम ये देखेंगे कि अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या अर्थ है बच्चों, इस विषय पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन किन आवश्यकताओं के कारण बनाया गया है। इसके बाद हम संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। बच्चों, ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक संघ है, इसे हम यूएनओ भी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम यूएनओ के प्रमुख अंगों पर भी चर्चा करेंगे। यूएनओ के जो अंग है वो 6 हैं। हम बच्चों
यूएनओ के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के विषय में भी चर्चा करेंगे। इसके जो सदस्य हैं 15 हैं, 5 स्थायी हैं और बच्चों इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल मिलाकर बच्चों इसके 15 सदस्य हैं। अब हम यूएनओ के अब तक के महासचिव के विषय में भी चर्चा करेंगे। महासचिव बच्चों अब तक के 9 हैं, पहले 8 रह चुके हैं, अब ये जो प्रेजेंट में हैं ये हैं बच्चों 9वें हैं जो पुर्तगाल के हैं, और हम विटो पावर के विषय में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है बच्चों शीत युद्ध के बाद यूएनओ की प्रक्रिया व ढांचों में सुधार के विषय में भी चर्चा करेंगे। यूएनओ के न्याय अधिकार में आने वाली विषयों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद बच्चों भारत की यूएनओ की स्थायी सदस्यता के मजबूत दावेदारी के विषय में भी चर्चा करेंगे कि भारत यूएनओ की स्थायी सदस्यता के लिए क्या अपना मजबूत पक्ष रखता है, उस दावेदारी की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बच्चों एक दुर्वेता विश्व में यूएनओ की प्रासंगिकता के विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो किस प्रकार से दुनिया में अमेरिका वर्चस्व पाया जाने लगा और उस समय यूएनओ की क्या प्रासंगिकता थी। क्लियर बच्चों? बच्चों इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। आप मैंने इस पर नोट भी किया है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता रही हूँ जिस प्रकार से एक क्षेत्रीय समस्या के हल के लिए एक क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से विभिन्न देशों के मध्य या मध्यस्थ उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। इसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या अर्थ है। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन मैंने लिखी भी है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको आपको डीपली भी समझाऊंगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र व संप्रभु राज्यों का एक औपचारिक संगठन होता है जिसकी स्थापना विश्व में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कल्याण में वृद्धि करने के लिए होती है। बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्वतंत्र और संप्रभु के विषय में बता रही हूँ। स्वतंत्र कौन होते हैं? बच्चों स्वतंत्र से तात्पर्य है जो किसी बाहरी शक्ति या विदेशी शक्ति से पूर्णतः क्या हो, स्वतंत्र हो। जो पहले कभी उपनिवेश बनाए थे जिन राज्यों ने, वो अब वहां से चले गए हैं तो ये अब पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है, उन्हें हम स्वतंत्र कहते हैं। संप्रभु बच्चों संप्रभु से मतलब है इनका किसी बाहरी शक्ति या किसी विदेशी नीति का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभुत्व नहीं होता है, ये अपने निर्णय लेने और अपने फैसले के लिए स्वतंत्र होते हैं, संप्रभु उनको कहा जाता है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र व संप्रभु राज्यों का एक औपचारिक संगठन होता है जिसकी स्थापना विश्व में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कल्याण में वृद्धि करने के लिए होती है। बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये बता रही हूँ, सबसे पहले बच्चों जैसे मैंने आपको जानकारी के लिए बताया था कि जेम्स लॉरिबर ने अपने एक भाषण में इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आविष्कार किया था। तो बच्चों वो कौन थे मैं आपको बताने चाहे, स्कॉटलैंड के विधिवेता जेम्स लॉरिमर ने अपने एक भाषण में 18 मई 1867 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं बच्चों, हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों होती है। देखिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के लिए, युद्धों की रोकथाम के में सहायक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध की रोकथाम के लिए भी सहायक होते हैं, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा प्राकृतिक आपदा महामारी आदि से निपटने में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग
तैयार करना विश्वव्यापी ताप वृद्धि में भी जो समस्या उत्पन्न होती है उनका समाधान करने में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहूँगी। जैसे हमारे यहाँ 195 देश हैं और बच्चों 195 देश के मध्य ऐसा हो नहीं सकता कोई विवाद ना हो भाई, किसी के पास सीमा संबंधी विवाद है, किसी के पास बच्चों नदी जल का बंटवारा है, किसी कोई गरीबी से ग्रस्त है, तो कोई आतंकवाद से परेशान है। तो इन देशों के मध्य और कुछ ये पड़ोसी देश भी हैं, तो इन देशों के मध्य किसी ना किसी विषय को लेकर विवाद होना आवश्यक है। तो इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि अगर इनमें विवाद है तो ये सब देश जो हैं आपस में युद्ध की ठान लें और युद्ध करना शुरू कर दें। इसके लिए बच्चों इनको क्या चाहिए कि आपस में शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके उस समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। और इसके लिए बच्चों क्या होता है कि एक दो संगठन मिलकर एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जो राज्य या कोई देश जिसमें कोई समस्या है उसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस राज्य की क्या सहायता करने में सक्षम हो। ये तभी हो सकता है जब विश्व के सारे राष्ट्र मिलकर कार्य करें। जैसे बच्चों प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पर महामारी है, आदि है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी इत्यादि समस्या है, तो ये कोई एक की समस्या तो नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है या किसी राज्य की समस्या है। तो बच्चों जैसे हमारे देश में कोई रोग है, मैं यहाँ पर आपको और डिटेल में समझाना चाहूँगी। जैसे कोई रोग है, मान लीजिए हम पोलियो की बात करते हैं और उस रोग को हम क्या करते हैं, उसे जड़ से मिटाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम बच्चों मान लीजिए हम पोलियो मुक्त विश्व बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी राष्ट्रों को मिलकर बच्चों ठीक है अपने राज्य में जो 5 से कम के बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलानी होगी। इसी के साथ ही बच्चों हमें सभी जो दुनिया के सारे देश हैं उनको मिलकर बच्चों का टीकाकरण करवाना होगा, तभी हम अपने विश्व को पोलियो मुक्त करने में क्या होंगे, सफल होंगे। बच्चों इसका एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ बहुत ही कह दीजिए गंभीर समस्या है वो विश्वव्यापी ताप वृद्धि है, यानी कि जो हमारा तापमान है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस समस्या जिससे मैं आपको परिचित करवाऊंगी वो समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है वायुमंडल में, वो है ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। बच्चों आप देख रहे हैं जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, और जो ये ग्लेशियर्स हैं उन पर जो बर्फ जमी है वो पिघल कर कहाँ आ रही है, नदी में आ रही है, और नदी के बाद में फिर वो समुद्र में भी जाएगी, और फिर जब समुद्र में जाएगी तो उसका क्या होगा, जल ऊपर तक भर आएगा। ये किस कारण हो रहा है बच्चों, ये हमारे वातावरण में क्लोरोफ्लोरो कार्बन नामक रसायन है जो बहुत अधिक मात्रा में उनका उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण से समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है, और इसके कारण विश्व के सभी देश बच्चों क्या हो जाएंगे, समुद्री तट के क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग के कारागार पर है। तो बच्चों ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है ये किसी एक देश की तो नहीं है, सारे विकसित देशों की है।
आ रहा है बच्चों समझ में? सभी विकसित देशों की है, तो वैसे कुछ विकसित देशों के द्वारा इस ग्लोबल वार्मिंग की जो ये हमारे सामने भयानक समस्या है, इसका समाधान करने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं, पर वो संभव नहीं है क्योंकि ये एक दो राज्यों के द्वारा कर पाना संभव नहीं है। इसमें दुनिया के सभी देशों को, जो विकसित देश है, उनको मिलकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान कर सके। बच्चों अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर का ये महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। और बच्चों इससे पहले मैंने जो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विषय में बताया है, इसके मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। आपका ये अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 6 पॉइंट है, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी के आप बोलेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आ रहा है बच्चों समझ में? इसकी स्थापना बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगी। यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चों, जो फर्स्ट हमारा वर्ल्ड वार हुआ था से लेकर 1918 तक, बच्चों ये इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। क्योंकि बच्चों जब हमारा ये फर्स्ट वॉर हुआ था, ये बहुत ही भयानक था, इससे हमें बहुत धन जन की हानि हुई थी और इस हानि को यानी के इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो देश के मध्य समस्या उत्पन्न हुई है, उस समस्या के समाधान के लिए और भविष्य में इस प्रकार के युद्ध जैसी भाई विभीषिका ना हो, ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र क्या कहते हैं संयुक्त नेशन की स्थापना की गई थी। देखिए लीग ऑफ नेशन, ये हुई थी बच्चों 10 जन 1919 में, ठीक है बच्चों? बच्चों इसलिए ये जो लीग ऑफ नेशन है, प्रथम विश्व युद्ध के जो भयानक परिणाम थे, उन समस्या को समाधान करने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। इन्होंने बच्चों अपने प्रारंभिक काल में बहुत सारी तेजी से उन्नति की, लेकिन क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों, फिर 1939 से लेकर 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था बच्चों वो शुरू हो गया, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इससे भी भयानक था बच्चों। जो पहला हमारा वर्ल्ड वॉर था वो उसमें 37 मिलियन लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसमें से बच्चों 16 आम नागरिक थे, 10 मिलियन इसमें से सैनिक थे, ठीक है बच्चों? उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की भविष्य में विभीषिका ना हो, तो लीग ऑफ नेशन की 10 जनवरी 1919 में क्या की गई, स्थापना की गई। लेकिन बच्चों ये अपने लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति करने में असफल रहे, क्योंकि बच्चों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो इससे भी भयानक हुआ था, दुनिया सहम चुकी थी अब, और दुनिया युद्ध नहीं चाहती थी, शांति चाहती थी।
तो बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जब बच्चों ये इस उद्देश्य की प्राप्ति करने में, लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे, तो तब जाकर बच्चों 24 अक्टूबर आपका मैं बता रही 1945 में ONO यानी के यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। बच्चों यूनाइटेड का यू, एन का एन, ओ का ओ, तो ये हमारा बन गया है यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 25 अक्टूबर 1945। इसके जो हेड है बच्चों एंटोनियो गुटरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं, ये हमारे क्या है हेड हैं। बच्चों समझ आ रहा है, इसके मेंबर्स ऑफ कंट्रीज है बच्चों 193 है, जो 193 है वो क्या है, दक्षिण सूडान का है। दक्षिण सूडान का है। इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है बच्चों, न्यूयॉर्क में है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर बना है। बच्चों संयुक्त यूएनओ की फर्स्ट मीटिंग हुई थी जो 26 जनवरी 1946 में हुई थी, और बच्चों इसका जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था वो क्या हुआ था बच्चों, 10 जून 1947 फ्रांसिको में हुआ था। तो बच्चों ये तो आपकी थी बेसिक जानकारी, मैंने आपको इसलिए लिखा है ये सब कि आप इससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं लीग ऑफ नेशन की, जैसे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जैसे हमने बताया बच्चों आपको, फर्स्ट वर्ल्ड 1940 से लेकर 1918 तक हुआ। इसके बाद में ये क्या हुआ, इसमें कितने 37 मिलियन नागरिकों की क्या हुई, मृत्यु हुई, और जिसमें हमारे आम नागरिक 16 मिलियन थे, 10 मिलियन हमारे नागरिक थे जो बच्चों वो सैनिक थे। तो बच्चों इस तरह की विभीषिका ना हो, इस विषय को ध्यान में रखते हुए लीग ऑफ नेशन की 1919 में स्थापना की गई, जो ये पेरिस में है। नेक्स्ट आता है जो बच्चों, जो जैसे मैंने आपको पहले समझाया है सेकंड वॉर हुआ था, ये उससे भी भयानक हुआ था, इसमें दुनिया सहम चुकी थी और वो युद्ध नहीं चाहती थी, शांति चाहती थी। इसलिए इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूएनओ की स्थापना की गई। बच्चों यूएनओ के लिए बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, एक चार्टर तैयार किया गया। चार्टर कहते हैं संविधान को, जिस प्रकार से हमारा भारत का संविधान है ना बच्चों, उसी प्रकार से एक यूएनओ का चार्टर तैयार किया गया, जिसे कहते हैं घोषणा पत्र बच्चों। ठीक है, उसमें बच्चों 51 कैंडिडेट्स ने क्या किया बच्चों, हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बच्चों 3 बड़े नेता फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट अमेरिका के, चर्चिल ब्रिटेन के, और बच्चों स्टालिन है जो सोवियत संघ के, जो सोवियत संघ के सदस्य हैं और सोवियत संघ के ही चीफ सेक्रेटरी हैं, जो लेनिन की मृत्यु के बाद इन्होंने ही कमान संभाली थी। बच्चों 30 उस पर कितने चार्टर पर सबसे पहले इन 3 लोगों ने ही सिग्नेचर किए थे। 30 अक्टूबर 1945 को बच्चों जब ये तैयार हुआ, 24 अक्टूबर यूएनओ बनकर तैयार हुआ, तो उस पर 30 अक्टूबर 1945 को हमारे जो इंडिया ने ज्वाइन किया, उस चार्टर पर अधिकृत प्रतिनिधि सिग्नेचर करने वाले थे, वो थे रामास्वामी मुदलियार। मैंने लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। इसी कारण से बच्चों 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। बच्चों जो ये है मैं आपको बता रही हूँ, इसमें इसका जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आविष्कार जेम्स लॉरिमर ने 18 मई 1987 में किया था, उसी प्रकार से बच्चों यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने इसका नाम प्रदान किया था। बच्चों तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। आगे हम चलते हैं
कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देश्य क्या थे बच्चों, जो उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संगठन के थे वही उद्देश्य किसके यूएनओ के थे, यूएनओ के थे। यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य विश्व युद्ध जैसी विभीषिका का भविष्य में ना होने देना। सेकंड था आपसी मतभेदों एवं विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना बच्चों, हल करना। युद्ध होने की स्थिति में युद्ध के प्रभावों को कम करना। विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ने नहीं देना। विश्व की विभिन्न देशों को एक मंच पर लाना। विश्व आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद ये समस्त मानव जाति के आधार अधिकारों का सम्मान करना। तो बच्चों ये थे उद्देश्य हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन का चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इससे आगे का आपको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।